वेलकम बैक फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमपी वर्ड इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस, जो कि चैप्टर नंबर 3 है 12th क्लास का। तो गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस हमारी इंग्लिश की बुक के चैप्टर 3 नंबर है, जिसे निसिम इज़िकियल जी ने लिखा है। आज हम इस चैप्टर को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट पैरा कुछ इस तरह है, फ्रेंड्स आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरन इन 2-3 डेज एंड वी आर हेयर टू टुडे टू विश हर वॉन वेज। तो दोस्तों, हमारी सिस्टर जो डियर सिस्टर है 2-3 दिन में विदेश या फॉरन के लिए चली जाएंगी, इसीलिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं बधाई देने के लिए। तो इस पैराग्राफ में पार्टी के शीन को डिस्क्राइब किया गया है कि जिसमें जो पॉइंट है वो गेस्ट को पार्टी की वजह बताते हैं और अपनी सिस्टर को वॉनवेज विश करते हैं। सेकंड पैरा, यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, व्हाट इंटरनल स्वीटनेस। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग एवर फॉर नो रीजन व्हाट सिंपली बिकॉज सी इज फीलिंग। तो इस पैरा में जो पॉइंट है वो डिस्क्राइब करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, आप सभी जानते हो कि मिस पुष्पा जो हैं वो एक खुशे खुले दिल वाली और मुस्कान और बहेने वाली लेडी है, स्वीट है। मैं केवल उनकी बाहरी स्वीटनेस मधुरता के नहीं अंदर की भी स्वीटनेस के बारे में मैं कह रहा हूँ। मिस पुष्पा जी हमेशा हंसते हुए चेहरा रहता है और वे मुस्कुराती हैं क्योंकि वे मुस्कान को फील करती हैं, वो उस मुस्कान को फील करती हैं, इसीलिए वो हमें स्माइलिंग फेस रहती हैं। पैरा नंबर 4, मिस पुष्पा इज कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली एंड हर फादर वाज रिन्यूड एडवोकेट इन बुलसार और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। तभी पॉइंट कुछ सोच कर कहते हैं कि मिस पुष्पा जो हैं वो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके जो पिताजी हैं वे एक जाने माने वकील हैं बुलसार सूरत में। और पॉइंट कहते हैं कि मुझे कि उन्हें प्रॉपर प्लेस का मालूम नहीं है, बट बुलसार सूरत में वो एक एडवोकेट हैं। सूरत, यस वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड हिज वाइफ वॉज कुकिंग नाइसली दैट वॉज लॉन्ग टाइम एगो। सूरत, मैं एक बार रुका था सूरत में अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरे अंकल के ओल्ड फ्रेंड के घर, और उनकी वाइफ बहुत अच्छा खाना पकाती थी, और ये बात बहुत पहले की है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, सी इज मोस्ट पॉपुलर लेडी विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज। अब हम मिस पुष्पा के टॉपिक पर अब वापस आते हैं। ये पॉइंट कहते हैं कि मिस पुष्पा जो हैं बहुत पॉपुलर हैं, ना केवल व्यक्तियों में बल्कि लेडीज में भी, क्योंकि वह कभी किसी को किसी भी कार्य के लिए ना नहीं कहती थी। वेन एवर आई आस्क हर टू डू एनीथिंग सी वॉज सेइंग जस्ट नाउ Only I will do it. This is showing good spirit. I am always appreciating the good spirit of Pushpa. Miss is never saying no whatever or anybody is asking. She is always saying yes, and to do she is going to improve her prospect and we are with her. We are here to wish her one wish. तो कभी कहते हैं कि मैं कभी भी उनसे किसी भी कार्य के लिए कहता तो वे कभी मना नहीं करती थी, और अगर बिजी होती तो कहती अभी नहीं बट मैं कर दूंगी। और ये वो केवल पॉइंट के साथ ही नहीं, अगर उनसे कोई और भी कहता तो उसको भी यही रिप्लाई देती और कभी भी किसी भी कार्य के लिए किसी को मना नहीं करते थे। वे सभी के साथ ऐसा ही बिहेव करती थी, ये उनकी गुड स्पिरिट है और हाँ मैं हमेशा इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये पॉइंट कहते हैं, और आज वो विदेश जा रही हैं अपने प्रोस्पेक्ट सही करने के लिए, तो आज हम उन्हें बॉन्ड व्यूज बिस करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लास्ट पैरा, नाउ आई आस्क अदर स्पीकर्स टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। अब पॉइंट अपने और स्पीकर फ्रेंड्स
और जो उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं पार्टी में, उनसे कहते हैं कि अब मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, आपसे कहूंगा कि अब आप आए और मिस पुष्पा टीएस के बारे में कुछ अच्छी बातें बोले और उन्हें बॉन्ड वेज दें, मतलब उनको बेस्ट विशेस दें उनकी जर्नी के लिए। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हो चुका है। अब हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट समरी एक सिंपल टॉपिक में इजीली पढ़ेंगे, जिसे आप समझिए और सुनिए। अपने फ्रेंड्स को बताते हुए कवि कहते हैं कि उनकी प्यारी बहन 2-3 दिन में विदेश जा रही हैं, वे उसकी शुभ यात्रा की कामना के लिए पार्टी मना रहे हैं। मिस पुष्पा हर समय मुस्कान बिखेरने वाली लेडी हैं, वे न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी स्वीट हैं और वो हमेशा उनका हमेशा चेहरा हंसता हुआ ही रहता है। क्यों वो हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, क्यों? क्योंकि वो मुस्कान को फील करती हैं। और जो मिस पुष्पा टीएस हैं वो एक बहुत ही हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और उनके पिताजी जो है वो कौन है, एक एडवोकेट है, कहाँ? बुलसार सूरत में। और जो पॉइंट है उनको इस जगह का प्रॉपर एड्रेस याद नहीं है, बट बुलसार सूरत में उनके पिता जो मिस पुष्पा टीएस के पिताजी एडवोकेट हैं। और जो फिर उसमें पॉइंट बताते हैं कि एक बार वो बहुत समय पहले एक बार वो अपने फैमिली की मेंबर्स के साथ अपने अंकल के वेरी ओल्ड फ्रेंड के यहाँ पर एक रात रुके थे और उन्होंने अंकल के फ्रेंड की वाइफ के हाथ का बना हुआ अच्छा खाना खाया था। और जो फिर उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं, उसमें क्या आता है उस अब ये जो आगे जैसे ही टॉपिक बढ़ता है तो उसमें मतलब मिस पुष्पा टीएस के पॉपुलैरिटी के बारे में बात होती है, किसमें? मेंस और वुमेंस में। और जो मिस पुष्पा टीएस है वो पॉपुलर क्यों है? क्योंकि उनकी गुड स्पिरिट्स के कारण। गुड स्पिरिट्स क्या है? वो कभी भी किसी को भी किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करती थी। अगर वो बिजी होती थी तो वो उनसे डायरेक्ट ये बोल देती थी कि अभी नहीं मैं, लेकिन कर दूंगी, बाद में कर दूंगी, कभी किसी को मना नहीं करती थी। इसी कारण सभी व्यक्ति उनकी तरफ आकर्षित होते थे और उनको मतलब अपना रोल मॉडल मानने लगते थे। और अब जो है अब लास्ट में क्या होता है, ये जो मिस पुष्पा टीएस है वो कहाँ जा रही हैं? फॉरेन यानी विदेश जा रही हैं। किस लिए? अपने प्रोस्पेक्ट को सुधारने के लिए, अपनी जो मतलब एजुकेशन है, अपनी जो माइंड की जो थिंकिंग है, नॉलेज है, उसको बढ़ाने के लिए कहाँ जा रही हैं? फॉरेन जा रही हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दो, अभी शेयर करो, कहाँ? व्हाट्सएप और फेसबुक पर जल्दी से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।